फ्यूचर नेट में आपका मोस्ट वेलकम है। देखिए आज हम लोग बात करेंगे हमारे मोबाइल में जब हम लोग चार्जिंग कनेक्टर है या आईसी वगैरह साफ करते हैं या चार्जिंग कनेक्टर लगाते हैं फोन में अपने, तो क्या होता है जो हमारी पिने हैं वो आपस में मेल्ट हो जाती हैं। मेल्ट हो जाने का मतलब है आपस में मिल जाती हैं। अब क्या होता है कई बार कंडीशन में कि हम लोग कर नहीं पाते हैं उसको और वो पिनें शॉर्ट होने लगती हैं। अब उसके लिए क्या करना होता है, या तो हम अपनी उन पिनों को अलग करें और या तो उसमें कुछ ऐसा करें कि वो हमारी पिनें शॉर्ट ना हो। तो वैसा तो कुछ है नहीं, तो अब हमें करना क्या होता है, हमें उन पिनों को अलग करना है। अब उन पिनों को अलग कैसे करेंगे, प्लस कैसे हम लोग अपने आईसी की बॉलों को अलग अलग करेंगे, वो आज हम लोग देखेंगे। अब देखिए जैसे हम लोग इस बोर्ड में देखते हैं, इस आईसी में, ये हमारी आईसी एक है, इस आईसी की कुछ बॉले हैं वो आपस में मेल्ट हैं। जैसे आप देख रहे होंगे एक यहाँ पर है, एक ये पूरा ये पोर्शन है, ये पोर्शन है। ये हुआ कैसे है पहले हम आपको ये बता दें। एक्चुअल में ये हुआ ऐसे है कि जब बच्चों ने इसमें प्रैक्टिकल किया और सोल्डरिंग आयरन से इसको साफ किया, साफ करने में अगर आपने जरा सी भी उसमें ताकत लगा दी, जरा सी भी आयरन को टाइट चला दिया, तो यहाँ पर क्या होगा कि नीचे का जो बेस है ये पूरा स्क्रैचेस हो जाएगा। और जब इसमें स्क्रैचेस हो जाते हैं तो जब आप इसमें सोल्डर लगाते हैं या पीवीटी पेस्ट लगाते हैं तो इन सब में भी रंगा लगने लगता है, पेस्ट लगने लगता है। अब इससे होगा क्या, ये सारी पिनें आपस में मिल गई हैं जिसकी वजह से आपकी आईसी शॉर्ट होगी। तो अब इसको हम लोग कैसे हटाएंगे, कैसे क्या करेंगे, हम लोग वो देखते हैं। अब जैसे सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे किसकी, चार्जिंग कनेक्टर की। चार्जिंग कनेक्टर की पिने आपस में मेल्ट होती है, कैसे मेल्ट होती है ये देखिए। जैसे ये हमारी पांच पिने हैं चार्जिंग कनेक्टर की जो हमारे बोर्ड में होती हैं। अब जब हम लोग इसमें चार्जिंग कनेक्टर लगा रहे होते हैं तो होता क्या है कि इसकी जो पिने हैं ये सब आपस में मेल्ट हो जाती हैं। मेल्ट हो जाने का मतलब है इसमें आप ताकत लगा देते हैं या आपकी आयरन में कार्बन जमा होता है और आप लोग उसको फाइल नहीं करते हैं और वो क्या, जो कार्बन होता है वो क्या करता है, यहाँ पर स्क्रैचेस कर देता है। अब जब यहाँ पर बेस में उसके स्क्रैचेस कर देगा तो यहाँ पर जब आप रांगा लगाएंगे तो यहाँ पर भी रांगा लगने लगता है, यानी इन पिनों के अलावा भी। अब जब इसमें भी अगर रांगा लग जाएगा तो ये पिनें सारी आपस में मिल जाएंगी, मेल्ट हो जाएंगी, शॉर्ट होने लगेंगी। तो इन्हीं को हमें कैसे हटाना है हम लोग ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस आईसी की बॉलों पे यूवी ग्लू और यूवी लैंप लगाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग इस पे देखते हैं। तो देखिए यूवी ग्लू हमारा एक ये है, इसका हम लोग यूज करेंगे। ये क्या करता है, जैसे आप ये देखिएगा इधर बोर्ड पे, जैसे सपोज करिए आपकी ये दो पिने हैं, ये इन दो पिनों को जब आपने स्क्रैचेस किया, मतलब इसको साफ किया, तो जब इसमें स्क्रैचेस हो गए तो यहाँ पर रंगा भर गया। अब होगा क्या, जो आपका ये यूवी ग्लू है आपको इस पिन और इस पिन के बीच में, मतलब जहां जहां एक्स्ट्रा रंगा होगा वहां पर हम लोग लगाएंगे। लगाने के बाद में ये हमारा यूवी लैंप होता है, ये यूवी लैंप क्या करेगा, इसको अंदर तक सक कर देगा। ये जो आपका यूवी ग्लू होगा, एक्चुअल में ये इसको काटेगा नहीं, ऐसा मत सोचना कि आप लोग की ये यूवी ग्लू इसको काट देगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा। ये जो यूवी ग्लू होगा ये अंदर तक सक कर जाएगा, मतलब उसके अंदर तक चला जाएगा, तो ये जो पिने हैं ये ऑटोमेटिकली हट जाएंगी। ये क्या करेगा, ये यूवी लैंप हमारा ये इसको सुखा देगा। ये यूवी लैंप मतलब अल्ट्रा वायलेट किरणें इससे निकलती हैं, अल्ट्रा वायलेट। तो जब हम लोग इसको लगाने के बाद इसके ऊपर रखते हैं तो ये जो पिने, ये जो हमारा ग्लू है ये अंदर तक सक हो जाएगा और पिने आपस से हट जाएंगी। उसी तरीके से इसमें भी होगा। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे यूवी ग्लू फिर उसमें लगाएंगे। अब देखिए हम लोग लगाते कैसे हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको एक निडिल, पतली निडिल चाहिए, मतलब सुई, उससे हम लोग लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर स्पेस बहुत ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम लोग किसी मोटी चीज का यूज करेंगे तो ये जो आपका यूवी ग्लू होगा वो इस पे और इस पे भी लग जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, इससे और इसको बचाना है। यानी खाली हमें जो यूवी ग्लू का इस्तेमाल करना है वो सिर्फ यहाँ पर करना है, यहाँ पर देखिए जैसे ये स्क्रैचेस हैं, इसमें रंगा आपको दिख रहा होगा साफ साफ, और यहाँ पर ये दो बॉले मिली है, ये दो बॉले मिली हुई है, इस तरीके से जो बॉले मिली है इन सबको हम लोग हटाएंगे। अब एक बोर्ड देखते हैं, देखिए एक बोर्ड है, एक बच्चे ने क्या करा, इस पे प्रैक्टिकल कर रहा था और उसको किस तरीके से इसकी बॉलों को मेल्ट कर दिया है। ये देखिए ये हमारा सीपीयू है। अब सीपीयू में क्या करा, जब स्टूडेंट ने
इसको साफ किया आयरन से, तो साफ करने में ये सारी की सारी बॉलें आपस में मेल्ट हो गई हैं। अब ये बोर्ड काम नहीं करेगा जब तक आप इन बॉलों को हटाएंगे नहीं। अब हटाएंगे कैसे? यूवी ग्लू से। जैसे बहुत सारे लोगों को हमने देखा है वो क्या करते हैं कि सर्जिकल ब्लेड से इसको बीच से काट देते हैं, जबकि ऐसा करना बहुत गलत है। अगर आपने इसको काटा और अगर जरा सी भी लाइन अंदर से कट गई तो ये समझ लीजिए कि फिर आपका बोर्ड बेकार हो जाएगा या फिर आप उसकी लाइन जोड़ें। तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम लोगों को करना ही होगा सिर्फ यूवी ग्लू लगा के और यूवी लैंप से उसको अंदर तक सक कर देंगे और हमारा इसमें आईसी जो है वो हमारी काम करने लग जाएगी। अब देखिए हम लोग कैसे इसको लगाएंगे। आप बिल्कुल थोड़ा सा यूवी ग्लू लेंगे इस तरीके से, उसके बाद हमने आपको बताया एक आपको बहुत पतली नीडल चाहिए सुई। अब उसके मेरे पास वो नहीं है लेकिन हम ये सर्जिकल ब्लेड का यूज करेंगे, इससे हम इसमें लगाएंगे तो बहुत अच्छे से लगेगा। अब देखिएगा कैसे इसमें हम लगाएंगे। आपको बिल्कुल आगे एकदम नोक पे रखना है इसको, और उस पर रखने के बाद आपको इसमें लगाना है। बहुत आराम से आपको इसमें लगाना है, आप ऐसा नहीं करेंगे अगर ब्लेड से लगा रहे हो तो आप लाइन काट दें बीच से। अभी हम कुछ बोल नहीं रहे इसलिए आवाज नहीं आ रहा है। इसमें इन्होंने क्या करा है, बहुत ज्यादा पिनों को बॉलों को आपस में मिला दिया इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब देखिए ये लग रहा है ये ब्लैक कलर का आपको दिख रहा होगा, अभी तीन पिनों में लगा हुआ है। इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। Thank you.
ये इतनी जगहों पे हमने लगाया हुआ है, लेकिन अभी इसमें बहुत सारी जगहों पर लगाना है, इसमें भी टाइम लगेगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले आईसी की बॉलों में लगाते हैं। मैं आईसी भी आपको जो दिखाई थी उसमें लगाते हैं, उसमें दिखाते हैं आपको कि उसमें कैसे लगेगा। इसमें भी क्या हुआ है, स्टूडेंट ने क्या करा है इसकी भी बॉलों में। अब अभी आप देखिएगा, ये देखिए, ये नीचे की तरफ आप देखेंगे ये सारी बॉलें कैसे खराब हुई हैं। तो अभी हम लोग इसमें लगाते हैं, इसमें लगाने के बाद इस पर यूवी लैंप दिखाएंगे, उसमें जो बोर्ड में है उसमें भी हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसमें पहले लगाते हैं, ये जितना भी बेस में स्क्रैचेस हुआ है उन सब जगहों पे आपको इसको लगाना पड़ेगा। तो लग गया था।